हमारे प्यारे से गणपति बापा हमसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी से हमारे घर में आने वाले हैं, तो उनके स्वागत में उनकी फेवरेट चीज़ें तो हमें बनानी चाहिए ना। तो आज मैंने इसी तरह से उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिठाइयाँ बनाई हैं, जो कि है मोतीचूर के लड्डू। उनके टॉप फेवरेट्स पे तो मोदक आता है, तो मैं मोदक की रेसिपी भी बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी बताती हूँ गणेश जी की। तैयारी में सबसे पहले बस मैंने इलायची का पाउडर कूट लिया था, और अभी हमें एक मिक्सिंग बोल ले लेना है। इसमें ना यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, ये नॉर्मल जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना वही वाला बेसन है। इसमें एक चुटकी भर मैंने नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है, उस हिसाब से यहाँ पर 1/4 कप के आसपास मैंने पानी ऐड किया है। वैसे तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 1/2 कप के अराउंड पानी लिया है, लेकिन मैंने डाला उसमें से बिल्कुल 1/2 पानी, यानी कि 1/4 कप यहाँ पर पानी मैंने यूज़ किया है उसके अराउंड। और अच्छे से इसका बैटर इस तरीके से फेंट लेना है ना, सो दैट बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें। तो अगर आप अच्छे से एक डायरेक्शन में चलाते रहेंगे ना, तो इस तरीके से बैटर बनकर रेडी हो जाएगा, और ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए आराम करने देते हैं। तब तक यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है जिसमें हम फ्राई करेंगे, लेकिन हम बूंदी फ्राई नहीं करेंगे, हम पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। इसका मतलब आप अभी थोड़ी देर में समझ ही जाएंगे। तो एक पैन में यहाँ पे मैंने घी गरम किया है, मिठाइयाँ घी में ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने घी यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने बैटर बनाया था ना, उसमें 1 चुटकी के अराउंड यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है, और उसे भी अच्छे से फेंट लेना है ताकि थोड़ा सा हमारा फ्लफ़ी हो जाए बैटर। जितना अच्छा और लाइट हमारा बैटर रहेगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा आगे लड्डुओं के लिए। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, 1 चम्मच के अराउंड यहाँ पर बैटर लिया है मैंने। और घी जब मीडियम गर्म हो जाए ना, तभी हमें इसमें ऐड कर लेना है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। जो चम्मच मैंने यूज़ की थी ना, उसी स्पून से सारे ही मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं, हमारे पकौड़े बोलें या फिर आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे रैंडमली शेप दे देना है। इसमें आप झारे के बिना बना रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो जाता है ना, बस इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ हमें फ्राई कर लेनी होती है, दैट्स इट। एक बार में आपको बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं ऐड करनी है, जितना यहाँ पर उसकी कैपेसिटी होती है ना बर्तन की, उस हिसाब से आपको ऐड करना है। और यहाँ पे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, काइंड ऑफ शैलो फ्राई किया है इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन घी तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है। आपको दोनों तरफ से पलट करना इस तरीके से, जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए एकदम सुंदर सा, आपको इनको फ्राई करते रहना है। बस एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको हाई फ्लेम पे नहीं करना और लो फ्लेम पर भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही बहुत अच्छे से इसको कुछ इस तरीके से सीखने देनी है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो बस इसी स्टेज पे हमें बंद कर देना है गैस को। यहाँ पर मैंने मेरी जो फर्स्ट बैच है ना उसको फ्राई कर लिया है, और दूसरी बैच से पहले मैंने गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, सो दैट बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से मैंने अपनी सेकेंड बैच भी बना ली थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगी गणेश जी की, तो आपको ये पता है कि मोतीचूर के लड्डू गणेश जी को इतने क्यों पसंद है? तो एक बार एक बहुत बड़े ऋषि की जो वाइफ थी ना, पत्नी, उन्होंने गणेश जी को इनवाइट किया था अपने घर पर खाने के लिए। गणेश जी ने सारा खाना तो खा लिया, ऊपर से उनको जो भी दे रहे थे ना, पता नहीं उनका पेट भर नहीं पा रहा था। ऋषि जी की जो वाइफ थी, उन्होंने सोचा कि कुछ इनको मिष्ठान खिलाती हूँ, यानी कि कुछ मीठा खिलाती हूँ, जिस वजह से गणेश जी का पेट भर जाएगा शायद। तब उन्होंने गणेश जी को लड्डू, मोदक ये सब ऑफ़र किया, और गणेश जी खाकर बहुत ही खुश हो गए, और मिठाइयों के मीठेपन से गणेश जी का मन और पेट दोनों ही भर गए थे। तभी से ये माना जाता है कि गणेश जी को मीठा खिलाएंगे ना, खास करके लड्डू और मोदक, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया था ना, तो उसके हिसाब से 3/4 कप शुगर और 3/4 कप पानी ऐड कर लिया है। थोड़ा सा बॉईल होने लगे, उसके बाद इलायची का पाउडर, और साथ ही मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है। अगर आपके पास है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारा सा कलर आता है। यहाँ पर कुछ हमें 1 तार की या 2 तार की ऐसी चाशनी नहीं बनानी, बस 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसमें बॉयल कर लेना है। बस हमारी चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए और हल्का सा बॉयल आ जाना चाहिए, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करना नहीं है। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल हो चुका है, अभी मैं इसको साइड पर रखूंगी। जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी ना फीकी वाली, वो भी यहाँ पर अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है मैंने, और अपनी सारी पकौड़ियों को मैं मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मिक्सर को ना आपको एक साथ नहीं चलाना है, पल्स मोड पर चलाना है, यानी एक बार चलाते ही फिर उसे तुरंत बंद कर देना है। ऐसा 3 से 4 बार करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से एकदम कोर्स वाला टेक्सचर आ जाएगा। आप देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे हो ना, उस तरीके से ही आपको लगेंगे।
अगर आपको झारी का झंझट वगैरह नहीं चाहिए ना, और आपको टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट वाले चाहिए, लुक्स भी वैसे चाहिए, तो इस मेथड को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। वैसे तो आजकल मार्केट में ज़ीरो साइज़ की बूंदी भी मिलती है, बस आपको मार्केट से ले आनी है और इस तरीके से चाशनी बना लेनी है, और इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स और मेलन सीड्स इन सबको ऐड करके आपको वो बूंदी ऐड कर देनी है, और दैट्स इट, आपके लड्डू रेडी हो जाएंगे। लेकिन आधा घर से आधा बाहर से ये सब लाने की क्या ज़रूरत है, सच हम हमारे गणेश जी के लिए प्यार से अपने हाथों से घर पे ही बनाए, राइट। तो मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम, कटा हुआ काजू और थोड़े से मगजतरी जो कहते हैं ना, मेलन सीड्स, उनको ऐड किया है। यहाँ पे आप चाहें तो किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको अवॉइड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच घी का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पैन में थोड़े से घी छोड़ दिया था, आपको याद है, इसलिए अभी मैंने ऐड नहीं किया। और यहाँ पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो बूंदी है ना, उन्होंने सारा का सारा शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी यहाँ पर गीला नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है ना, तो आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हल्का सा गीला हो गया, तो कुछ सेकंड्स के लिए उसे कुक कर दीजिए, पानी को उसको इवेपोरेट कर दीजिए। लेकिन आप मेरे दिए गए जो मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से यहाँ पर लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं, आपने देखा ना। तो इस तरीके से सारे लड्डू बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। ऊपर से थोड़ा और सजाने के लिए यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता यूज़ किया है। आप चाहें तो पिस्ता के बदले काजू या फिर बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। काजू और बादाम को हमें हाफ कट कर लेना है, उसके बाद ऊपर पूरा का पूरा हमें स्टिक कर देना है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वो भी। लेकिन थोड़ा सा और मार्केट वाला टच देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गार्निश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इतने अच्छे लड्डू देख रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे वो भी आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लड्डू लिया है मैंने, चलिए इसे तोड़कर देख लेते हैं अंदर का टेक्सचर कैसा है इसका। आप जिनको भी ये लड्डू बनाकर खिलाएंगे ना, वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये घर पर बने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री गणेश।